तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, किसानों का अलग ही रुख देखने को मिल रहा है। किसानों का कहना है भले ही सरकार की तरफ से 15 जनवरी की तारीख बैठक के लिए निर्धारित की गई हो, लेकिन 10 जनवरी को किसान अपनी ही एक बैठक करेंगे। 10 जनवरी को किसान संगठनों की बैठक होगी और उस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि 15 तारीख को सरकार के साथ बैठक करनी है या नहीं करनी है, 15 जनवरी को बैठक में शामिल होना है या नहीं होना है। सरकार और किसानों के बीच में बैठक हुई है, गतिरोध बना हुआ है, दोनों ही पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। 10 जनवरी को किसान संगठनों ने बैठक की तारीख निर्धारित की है। किसान संगठन आपस में चर्चा करेंगे कि जो सरकार के साथ वार्ता के लिए 15 जनवरी की तारीख तय हुई है, 15 जनवरी को उस बैठक में जाना है या नहीं जाना है। मंत्री जी ने बैठते ही ये कह दिया, क्योंकि पिछली मीटिंग में बात हुई थी रिपील पे अपना रुख जाहिर करें, उन्होंने ये कह दिया कि रिपील तो नहीं करेगी सरकार, बात खत्म होगी, बात करने का कुछ था ही नहीं आज और इससे आगे बात चली नहीं। बात में लास्ट में जब उठने लगे तो इतना उन्होंने कहा कि 15 को फिर बैठ लेते हैं, हम बैठेंगे या नहीं बैठेंगे उसका फैसला 10 तारीख को होगा। 10 तारीख को हमारी बैठक होगी संयुक्त किसान मोर्चे की, हम आएंगे नहीं आएंगे वो 10 को हम फैसला लेंगे 1 बजे। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रदीप, रुख अभी तक साफ नहीं है, एक तरफ सरकार है, सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 15 जनवरी को दोबारा से बैठक होगी, लेकिन किसान संगठन अपनी ही एक रणनीति बना रहे हैं, 10 जनवरी को बैठक करके पहले ये डिसाइड करेंगे कि 15 तारीख को जाना है या नहीं जाना है सरकार के साथ वार्ता के लिए। देखिए रमीना, पहले से ही कहा था कि आज की बैठक के बाद किसान आंदोलन की रूपरेखा तय हो जाएगी कि आंदोलन उभरना है, आगे बढ़ाना है, कैसे वो आगे की रणनीति बनाएंगे। और इससे पहले ही 26 जनवरी तक का उन्होंने पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ, आंदोलन से लेकर 30 तारीख में क्या करना है, कैसे प्रदर्शन करने हैं, इसको लेकर कल उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था केएमपी मार्ग पर, जहां पर उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकाली थी। तो किसान नेता इस बैठक में जैसे ही बैठक शुरू हुई एक बार फिर अपनी मांग दोहराई और किसान कानून खत्म करे सरकार, ये मांग करते हुए उन्होंने एमएसपी कानून को लेकर स्थिति साफ करने को कहा। इस बैठक में पहली बार हुआ जब केंद्र सरकार की ओर से साफ किया गया कि कानून वापस नहीं होगा, तो ये बड़ी बात थी। और इसके बाद किसान नेताओं ने नाराजगी जताई क्योंकि अब तक सरकार गोल गोल जवाब दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि सरकार बीच का रास्ता निकाल लेगी, लेकिन अब सीधे तौर पर बता दिया गया किसान नेताओं को कि देश का कानून है ये, लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ है, कृषि मंत्री की ओर से इस बैठक में ये जानकारी दी गई और ऐसे में जो आपकी आपत्तियां हैं उसमें संशोधन लाने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन इसके बाद गतिरोध बना रहा और नाराज किसान नेताओं ने आज अपना लंगर भी नहीं खाया, ना चाय पी, ये कहा जा रहा है। और उसके बाद बैठक भी वक्त से पहले ही खत्म हो गई, यानी सीधे कहें तो एक तरीके से किसान नेता उठ गए सरकार के इस रुख के बाद बैठक से, और जब वो बाहर निकल कर जाने लगे तब सरकार की ओर से एक बार फिर प्रपोजल दिया गया 15 तारीख को बैठ लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, लेकिन किसान नेताओं ने कहा कि इस बातचीत का कोई फायदा नहीं, इसमें कोई समाधान ना निकल सके। तो अब ये किसान नेता साफ कर रहे हैं कि अगली बैठक में आना है या नहीं आना है, ये वो अपनी बैठक करेंगे, रणनीति बनाएंगे, कैसे आंदोलन को जारी रखना है। राकेश टिकैत ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो साल 2024 तक आंदोलन जारी रखेंगे, यानी सरकार जब तक नहीं झुकती है आंदोलन इस कानून को लेकर तब तक ये आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया जा रहा है। एक बड़ी बात है जिस तरीके से किसान आंदोलनकारी अपनी मांग खड़े हुए हैं, सरकार का अपना रुख है, ऐसे में ये भी प्रपोजल आया है सरकार की ओर से कमेटी बना दी जाए एक बार फिर से, लेकिन इससे ठुकरा दिया गया। ये भी कहा गया कि जब बिल्कुल तो सरकार बिल्कुल तो सरकार की तरफ से प्रपोजल रखा गया 15 जनवरी, लेकिन किसान अपनी ही रणनीति बना रहे हैं और साफ कह चुके हैं कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, इससे कम पर राजी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए।